रतनाथ पहुंची नोएडा, कल इंटरनेशनल डेयरी समिट का करेंगे शुभारंभ। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन के पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आरएसएस के ब्रज क्षेत्र पात्र संघ चालक राजपाल सिंह का हुआ निधन, एटा आएगा पार्थिव शरीर, ज्ञानवापी के जिला अदालत करेगा फैसला। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में कल फैसला सुनाया जाएगा जिला अदालत, सुरक्षा को लेकर की गई बैठक। चुनाव कांग्रेस ने बदले अध्यक्ष, चुनाव के नियम, नॉमिनेशन भरने वाले को मिलेगी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बागपत में मवीकला गांव में खिलाड़ियों से संवाद किया। इसके बाद वे बागपत सीएचसी पहुंचे, जहां उन्होंने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया, अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उनसे यहां पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। फिर यहाँ से कलेक्ट्रेट के रवाना हुए, साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक धर्मनगरी मथुरा पहुंचे, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान डिप्टी सीएम पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे नजर आए, जिसके बाद डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल के सीएम को एस्को निर्देश दिए, जो भी सरकार की ओर से सुविधाएं चलाई जा रही है, मरीज उन योजनाओं का लाभ मिले। फरीदाबाद में कांग्रेस से जुड़ने के लिए चलाए जा रहे कांग्रेस के अभियान में हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री किरण चौधरी ने मीडिया को संबोधित किया, जिसके बाद नगर निगम सभागार से पदयात्रा भी निकाली। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों के बारे में उनसे बात करेगी। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने कहा, कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे, साथ ही पार्टी को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों को कार्यकर्ताओं में साझा करेंगे। जो है कांग्रेस जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के द्वार ये प्रोग्राम जो है जिले वाइज जो है रखा गया है, और आज जो है आपने देखा पदयात्रा करी, उसके बाद जो है आपके सामने प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद जो है पूरे पांचों हलकों के अंदर जो इस जिले के अंदर हैं वहाँ पर चाय पानी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, किस तरह से राहुल जी की नीतियों को, सोनिया गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाना है, उसकी बात करें। खबर श्रावस्ती से है, जहां पूर्वांचल विकास बोर्ड के राज्य मंत्री का एक दिवसीय दौरा है, जिसमें वह जन चौपाल लगाकर आम जनता की जन सुनवाई करेंगे। वहीं पूरा कार्यक्रम सिरसिया के कोवापुर कोडरी उच्च प्राथमिक विद्यालय में जनसभा आयोजित की गई। साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आम जनता की शिकायतों का निस्तारण करेंगे और समस्या से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा कर उच्च स्तरीय जाँच के आदेश जारी किए जा सकते हैं। श्रावस्ती आना नहीं हुआ, श्रावस्ती में ही मैं रहता हूँ, तो थोड़ा हम लोग का जो लोकसभा क्षेत्र है बड़ा है बलरामपुर और श्रावस्ती। हम लोग का मकसद केवल एक है, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जा करके जनता की सेवा करनी है। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं सबसे पहले उन कामों का निरीक्षण करना है कि कहाँ पर काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पर उससे भी ज़्यादा जो वंचित लोग हैं जो कि सरकार तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिनको जैसे आधार कार्ड नहीं मिल पाता है, जिनको किसी कारण से उनको समझ नहीं होती, उनके लिए कार्य करना।
गाजीपुर में भावरकोल थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस ने बीएसपी सांसद अतुल राय पर कार्यवाही कर बड़ा एक्शन लिया और पुलिस अतुल राय की लाखों संपत्ति और जमीनों को कुर कर लिया, जिसके बाद प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बीएसपी सांसद पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की। द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत अतुल सिंह उर्फ अतुल राय, उनकी जो बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है, धारा 24(1) के तहत पुलिस कमिश्नर वाराणसी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 7 गांव में टोटल उनका रकबा 1.418 हेक्टेयर है, जिसकी कीमत जो है 58,13,800 है। उसको आज करने की कार्रवाई यहाँ पुलिस फोर्स और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा संपादित की जा रही है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा। पवन, सांसद पे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, उनकी कई संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी नंदनी, हम आपको बता दें कि मऊ जिले में संसदीय क्षेत्र घोसी से बसपा के सांसद और वीरपुर निवासी अतुल राय के विरुद्ध गैंगस्टर मामले में उनके पैतृक गांव व्यूपुर में कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्की की कार्रवाई के लिए सुबह 9 बजे से ही थाना परिसर में पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचने लगे। दोपहर 12 बजे लगभग 58 लाख रुपए की कीमत की जमीन को जिला प्रशासन की ओर से कुर्क किया गया। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। खबर अलीगढ़ से, जहां अराजक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की। बता दें कि ग्रामीण सुबह पार्क में टहलने गए, जहां मूर्ति को टूटा देख ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं घटना की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को देकर जल्द नई मूर्ति लगवाने की मांग की गई। साथ ही आला अधिकारी समेत कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। अराजक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की। ग्रामीण सुबह पार्क में टहलने गए, जहां मूर्ति को टूटा देख ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल दिखा। वहीं घटना की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को देकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही नई मूर्ति लगाने की भी मांग की गई। पुलिस अधिकारी के समेत कई थाना अधिकारी और पुलिस फोर्स उस वक्त मौजूद थी। अमेठी में सड़क नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस दौरान गौरीगंज कस्बे में दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें अमेठी पुलिस सीटेट संस्था और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। वहीं एसपी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ करवा दिया। साथ ही मैराथन दौड़ में शामिल प्रथम 5 विजेताओं को एसपी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये जागरूकता करने के लिए डेली इस जिले में बहुत एक्सीडेंट होता है, और नया लड़के युवा जैसे आप लोग इतना सिंसियरली आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें कुछ बच्चों ऐसा है ये नशा के दिशा में जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का जागरूकता करने के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस, परिवहन विभाग और सीटीईडी एक संयुक्त बना के हम लोग आज आयोजन किए थे। खबर औरैया से, जहां शहर के समर्थपुर गांव में स्थित महाराणा प्रताप भवन के एक कार्यक्रम में आयोजन किया गया, जिसमें 5 अक्टूबर को दशहरा के पर्व पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं महाराणा प्रताप भवन में आयोजित वार्ता के दौरान क्षत्रिय महासभा के संरक्षक रविन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर को दशहरा के पर्व पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, MLC गोरखपुर और पूर्व जिला पंचायत
पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान शामिल होंगे। ऐसा है कि छतरी महासभा पिछले 40 वर्ष से दशहरा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाती आई है। इस बार भी 5 अक्टूबर को दशहरा है और छतरी महासभा दशहरा की तैयारी के संदर्भ में और आप लोगों को बताने के लिए कि प्रतिवर्ष की बात इस बार भी हम लोग जो दशहरा पूरे धूमधाम से मनाएंगे उसकी तैयारियों के संबंध में और हमारे जो अतिथि हैं उनके संबंध में हमने आप लोगों को बुलाया था और उसी संबंध में हम सभी छतरी बंधु आपस में बैठक भी कर रहे हैं और उन तैयारियों पर। खबर औरैया से है जहां उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर व्यापारियों के लिए बैठक आयोजित की गई। वहीं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश भर में व्यापारी समाज को एकजुट कर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए संगठन सक्रिय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए व्यापारी समाज सक्रिय है और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं दौड़ा कर रहे हैं और हर जगह हमारी एक उम्मीद है कि कम से कम लखनऊ में जब हमारी व्यापारियों की एक बैठक हो उसमें 1,00,000 व्यापारी वहां मौजूद रहेगा। यही इसी विश्वास के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश का दौरा दोनों लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कुछ जनपदों में कार्यक्रम लगे हुए हैं व्यापारियों को लेकर, तो इसी संदर्भ में आज औरैया में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता जी हैं, जिलाध्यक्ष अमित कुमार के साथ बैठक हो रही है। व्यापारी हर तरह से नुकसान में है, चाहे GST हो और चाहे उत्पीड़न की बात किया जाए, तो व्यापारियों को उत्पीड़न अभी सरकार में राहत नहीं मिल पाई है। खबर फरीदाबाद से है जहां तहसील कर्मचारियों ने खुलेआम रिश्वत लेते दिख रहे तहसील कर्मचारियों से खुलेआम रिश्वत लेते दिख रहे हैं। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने वाले तथाकथित पत्रकार ने राजनीतिक दबाव के चलते वीडियो अपने पोर्टल से हटा दिया। साथ ही पत्रकार पर सरकार की छवि ब्लैकमेल करने का आरोप है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय जाँच में जुट गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी भी फरीदाबाद में करप्शन भ्रष्टाचार घटने का नाम नहीं ले रहा। तहसील में खुलेआम रिश्वत चलती है, पकड़े जाते हैं और उसके बावजूद भी इनको डर नहीं है। इन अधिकारियों को इतना भी डर नहीं है कि हमारा और हमारे शहर हमारे बच्चों का क्या होगा। खबर गोंडा से है जहां जिला के बाबूश्वर शरण जिला अस्पताल में डॉक्टर तीरमारदारों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि वृद्ध की जांच के लिए उसके परिजन स्ट्रेचर पर लेकर उसे घूमते रहे पर किसी वार्ड बॉयज ने उसकी मदद तक नहीं की। वहीं मामले का वीडियो बनाकर गार्ड ने परिवार वालों से मारपीट कर स्ट्रेचर भी छीन लिया। साथ ही पूरे मामले पर CMO ने संज्ञान लेकर जाँच के आदेश जारी किए। खबर हरदोई से है जहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बता दें कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की जाँच में जुट गई है। वाराणसी में कमिश्नरेट ने आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी समीक्षा की। सभी धर्मगुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठक होगी। आपको बता दें कि पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लगा दिया गया, जिसके बाद पूरे सेक्टर में स्कीम लागू की जा रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
खबर मथुरा से है, जहां बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा की व्यवस्थाएं सुधारती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि एक महिला श्रद्धालु अधिक भीड़ के चलते मंदिर परिसर में ही बेहोश हो गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं एक बार फिर पुलिस प्रशासन व सरकार व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल है। दम घुट गई था, सीने में दर्द हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी रास्ते में भीड़ की वजह से। तो आप ठाकुर बांके में दर्शन करने गई थी? हाँ। तो कौन से गेट की घटना है ये? नंबर 1। आप मंदिर के अंदर की घटना हुई थी या मंदिर के बाहर गली में? मंदिर के बाहर गली में। गली में किस वजह से हुआ ये? भीड़ के दबाव क्या था? भीड़ के दबाव के कारण बीच गई थी। प्रयागराज के नैनी में जेल अधीक्षक को ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट और बिजनेस मॉडल इवेंट मेजरेंट में कांस्य पदक मिला। आपको बता दें कि अहमदाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में सभी प्रदेशों के कारागार विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसके बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने रजत और कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके पहले 2010 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता में पीएन पांडे ने स्वर्ण और रजत पदक जीता था। उस समय वह बरेली जिला के कारागार अधीक्षक थे। अहमदाबाद में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का आरंभ किया गया था। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग के अधिकारियों के टीम लीडर के रूप में मैंने प्रतिभाग किया था, और स्वयं भी प्रतिभागी के रूप में 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। और दोनों इवेंट्स में एक क्विज में मुझे सिल्वर मेडल और दूसरे बेस्ट बिजनेस मॉडल में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रेजेंटेशन करने में मुझे 3rd यानी ब्रांज मेडल मिला था। इसके पूर्व भी 2010 में मैंने जब प्रतिभाग किया था मुझे गोल्ड और 1 ब्रांज पाया था, और मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक गौरव अर्जित कर सका। खबर गाजीपुर से है, जहां व्यापार मंडल भूतपूर्व सैनिक संगठन के नेतृत्व में 4 जोड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज बनाने के लिए रेलवे प्रशासन को अवगत कराया गया था। वहीं मांग पूरी न होने पर करीब 500 सदस्यों ने ट्रेनों का चक्का जाम करने से पहले जिला प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर अज्ञात जगह ले गए। साथ ही ट्रैक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। व्यक्तियों ने आज यहाँ पे कुछ ट्रेनों को की डिमांड को लेकर डेड ट्रेन यहाँ पे ठहराने के लिए स्टेशन्स पे कुछ अपनी ज्ञापन जो है वो दिया है। ज्ञापन को जो है वो स्वीकृत न करके उसको उचित माध्यम से भेजा जाएगा, और इन लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो समझाई भी जानी जा रही है कि कानून व्यवस्था के संबंध में किसी भी तरीके की गलत ये जो है वो नहीं पैदा होनी चाहिए। कानून व्यवस्था में कहीं भी नसीद नहीं लगना चाहिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।